नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट 3 के पेपर, ठीक है। अगर लेटे हुए हो तो उठ के बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। जो भी अच्छे सवाल है उनको नोट डाउन करते जाओ, या नहीं करना है तो उनके नंबर नोट कर लो कहीं कॉपी पर, पीडीएफ से आप रिविजन कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्पीड़ित एक समबाहु त्रिभुज है, एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है तो पी एस क्यू का माप कितना होगा। देखो त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में है, तो इस तरीके से एक सर्कल बना लो और ये पी क्यू आर हो गया आपका, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ये दोनों टच कर रहे हैं, ये मत समझना अलग अलग है। और कह रहा था एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, तो देखो क्यू आर ये है तो यहाँ पर ये एस हो गया, तो कह रहा था पी एस क्यू का मान। अब इस तरीके से इसको खींच लेंगे, ठीक है। अब इसका मान हमसे पूछा गया, तो एक चीज बताओ, ये देखो एक क्या हो गई, जीवा हो गई वृत्त की, समझ रहे हो ना। और एक ही जीवा से परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज था तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। अगला सवाल, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से, जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो देखो x y को 100 मीटर से, यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया। x 1500 की थी 2 टन, और ये अगर 1500 जा रहा है तो ये 100 से हरा रहा है, यानी कि इसको कितना गया तो 1400 गया। और अगर आप z का लिखना होता तो 1500 से 200 कम कर दो तो 1300, 1300 से 40 कम कर देंगे तो 1260 हो गया। अब यहाँ से अभी डिस्टेंस नहीं निकल आएगी, रीजन क्या है, क्योंकि हमें इसमें ये बनाना पड़ेगा कि बाई अब पूरा दौड़ेगा, बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो बाई पूरा 1500 दौड़ेगा, तब हम ये देखेंगे कि ये कितना दौड़ रहा है, समझ रहे, तब हमें पता लगेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से अभी डिफरेंस देखते तो 0, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 से 2 गया 1, यानी कि 1400 मीटर की दौड़ में वो 140 से हरा रहा है, तो 1500 मीटर की दौड़ में कितने से हरा देगा, 150 से। बात खत्म हो गई। अगला सवाल, और हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसी को भी कोई समस्या आती तो मैं कितनी बार नंबर लिखूं भाई, 9919293977, आप इस पर भेज दिया करो, इसका सोल्यूशन कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहो। अगर मैं यहाँ फर्स्ट कर देता हूँ तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और फिर कोशिश किया करो 2 से 3 बार समझने को, पेपर में इसी तरीके से करने होंगे, और ऐसे भी नहीं करने होंगे जितना मैं लिखता हूँ, अगर उतना लिख रहे हो तब भी आप पीछे हैं, आपको बहुत कम से कम लिखना है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब ये तो आसान सवाल है, सबसे पहले क्या ऑफ सॉल्व करते हैं, तो ऑफ किया होगा तो 25 गुणे में 12 आ गया, बटे में क्या आ गया 30 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले ऑफ, तो ऑफ में तो ये गुणा हो गया होगा, यानी कि गुणा कर लिया है पूरा, ऐसा नहीं कि गुणा का साइन बना दो, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 हो गया, नीचे 5 गुणे में 5 की पावर 3 हो गया, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बना देगा, 1 बना देगा, तो ये 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये कितना बन गया, ये पूरा आ गया 5 दूनी 10। अब यहाँ पर बचा क्या है, 25 प्लस का 10 माइनस का 1 हो गया, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 35 हो गया, 35 से 1 माइनस कर दो तो 34 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है, 51 डिवाइड बाई 34, 17 51 17 दूनी 34 आंसर। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो 35 से मतलब क्या हो गया, 7 और 5 से, 5 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में हमें या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तो यहाँ पर 22 जोड़ा तो 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, तो ये 910 आ गया। अब ये देखो 7 से भी कट रहा है क्योंकि 13 7 91 होता है, और 5 से भी, तो आंसर तो यहाँ से मिल गया था। अगर नहीं मिलता, मान लो कुछ और होता, तो 5 मिला था तो 8 और प्लस का 1, यानी कि 9 यूनिट डिजिट 5 से नहीं कटेगा, और अगर यहाँ करते तो 8 3 11 5 से नहीं कटेगा, फिर यहाँ करते तो लास्ट में 8 आ जाता 5 से नहीं कटेगा, समझ गए, तो इस तरीके से भी कर सकते थे, बाकी तो यहाँ पर मिल गया आसान, कोई बात ही नहीं। फिर तो अब इसको देख लो, थोड़ा एक सेकंड इसको छोटा कर ले। कह रहा है 2017-18 में फ्लेवर एक्स का औसत उत्पादन 19 और 20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना है, तो 17 और 18, तो ये 17 रहा और ये हमारा 18 रहा, इसमें x की बात कर रहा था, यानी कि 20 और 20 इनका अगर एवरेज लेते तो इस तरीके से 19 और 20 इसमें कौन सा है, बाई है, बाई मतलब 32 और 20, यानी कि 30 20 50 52 बटे में 2 हो गया,
इनका अंतर करना था। तो देखो छोटे से बड़ा ही घटाएंगे कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो इसमें माइंड करने की बात नहीं है कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी कि 12/2 कर देंगे, 2 छक्के 12 आ जाएगा। समझ में आगे होगी बात। तो 6000 हमारा आंसर। अब इसमें ये नहीं करना है कि 1000 पैक लिखा हुआ तो उसका गुणा करते हुए, भाई 6 एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। ठीक है, इससे आगे नहीं हमें कुछ भी करना है, और फिर करना होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। अब ये सवाल देखो, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने सारी थ्योरम्स इसके बारे में बताई हुई थी, अब वो यहाँ पर काम आ गई। देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताया था हमने, डायरेक्ट रिजल्ट क्या बताया था, 1 माइनस का यहाँ पर लिखना था 2 sin² थीटा cos² थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए भी बताया था प्लस में, यहाँ पर कर लो प्लस में 18 वन माइनस का 3 sin² थीटा cos² थीटा। समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखना ये क्या हो गया, ये 12 हो गया, यानी कि 12 ये क्या हो गया 18 प्लस का 18 हो गया। यहाँ पर क्या बना, 12 दूनी 24, ये पूरी रामायण को ए मान लो। ठीक है, इस पूरे रामायण को ए मान लो, और यहाँ पर ये पूरी रामायण ए दी हुई। ठीक है, तो इधर करेंगे 12 दूनी 24, यानी कि माइनस का 24 ए आ गया। फिर इधर करेंगे तो 18 3 54 ए आ गया, और इधर प्लस में क्या था 78 ए था। तो इनको जोड़ेंगे 4 4 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी कि 78 ए प्लस का 78 ए ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 24 12 दूनी 24, अच्छा 18 था भाई, हम कहें आंसर नहीं आ रहा, तो 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया। अब इनको देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर पीछे से देख के आए होगे बढ़िया से, तो फिर आपको पता होना चाहिए था ये कुछ नहीं लिखा है, स्क्वायर करके लिखे गए हैं। किसका स्क्वायर लिखा गया भाई, sin² थीटा और प्लस का cos² थीटा। अरे इसके बराबर जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला पूरा मान निकल के आ जाएगा, और इसका मान जो आता है निकल के वो पूरा क्यूब करके आता है। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लो, इस पे सवाल खूब भर भर के पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लो। अगला सवाल, 120 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 12 8 96 हो गया, अब 8 का गुणा इसमें कर दो, तो 8 7 56 हो गया, 14 8 112 में 5 जोड़ देंगे तो 117 आंसर आ गया। अब हमें इससे नहीं मतलब है कि जीरो कहाँ लगा कहाँ नहीं लिखा, हमने ये एक चीज देख लिया, सारे नंबर अलग अलग लिखे हैं, बस बात खत्म हो गई। अब जीरो को वैल्यू तब देंगे जब वो लिख देंगे 11 7 6 00, फिर 11 7 6, फिर 11 7 6 0, तब हम जीरो को वैल्यू देंगे ना, लेकिन वो सारे नंबर अलग लिखे हुए। अगला सवाल, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो देखो तंबू तो भैया हम बनाते हैं इस तरीके से, तो बनाते हैं ना, नीचे तो पूरा खुला रहता है, तो यानी कि पाई आर एल पे ही तो बनेगा, कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पर 22/7, आर का मान हमको 6 दे दिया था, त्रिज्या ऊंचाई आप ट्रिपलेट लगा के नहीं निकाल पाओगे, इस तरीके से बनेगा हमारा शंकु। तो बढ़िया से ये कितनी हो गई 6, ये 8 हो गई, तो ये 10 आ गई, बस यही तो निकालना था। तो 22 छक्का 132 हो गया, और 0 यहाँ पर 7 कर देंगे तो 7 2 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 1 7 हो गया, 6 बच गया, 7 9 63 भी ज्यादा, 7 8 56, जैसे ही 18 मिला आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ और हानि होगी। तो देखो 100 की चीज 20% हानि पे बेचते हैं तो 80 में बेचते, अब ये वाला हमें को निकालना है दूसरी कंडीशन में। तो हमको दिया गया था 2000 = 80 और 3000 का हमसे मूल्य पूछा गया, तो 0 से तो 0 ये काट ही दो सारे सारे, ये 2 4 8 हो गया, इधर जाएगा तो 4 3 12 120 आ जाएगा, तो 120 लिखेंगे तो ये 100 से कितना ज्यादा हो रहा था 20 ज्यादा, तो यही तो प्रॉफिट हो रहा था। अगला सवाल, एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले 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 गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में इतने लोग यानी कि 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म में इतने वैध मत प्राप्त हुए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने परसेंट मत प्राप्त हुए। तो देखो कहने का मतलब है 137 7 00, जितने वैध मत होंगे नीचे आ जाएंगे इंटू में 100। अब हमें निकालना क्या, हमें टोटल वैध मत ही तो निकालने, बस सिंपल, हमारे पास टोटल वोट कितने थे 1 2 3 4 5, 3 लाख थे, इसमें से 85% लोगों ने वोट डाले,
और 10% अवैध हो गए, वैध कितने बचे? 90% बचे। बस इसी को सॉल्व करना था। ये जीरो हो गया, ये जीरो से दो जीरो चले गए, और फिर ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए। अब यहां से करेंगे तो 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 पन्ना 45, 9 3 27 हो गया, तो 2 जीरो बच गया। यहाँ पर 17 पना 85 हो गया, 17 ने में 153 हो गया और 1 जीरो, तो 5 3 15 नीचे, 15 छक्का 90, यानी कि 60% आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन इतनी की चाल से चल रही है और समान दिशा में इतनी की चाल से चल रही, दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है, दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई तो ये हो गई, अब इनकी चालें क्या करी थी? समान दिशा में, तो चालें घट जाएंगी, तो 70 से 30 गया 40, 40 से 4 कम करेंगे ये 36 हो गई, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18, 18 ऊपर पहुंच गया, यानी कि ये कितना हो गया? 25 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, तो ए प्लस बी कितना आ गया? 250 आ गया। अगला सवाल, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग इतना है जबकि दी गई संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। अब कह रहा था इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर बताइए। अब यहां पर देखो, कह रहा था संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 324 दिया था, और उनका गुणनफल यानी कि a इंटू b बराबर 144 दिया था, और हमसे पूछा था उनके वर्गों का अंतर, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पूछा था। तो देखो यहां से हम क्या क्या लिख सकते थे, a माइनस b, a प्लस b लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, और a माइनस बी का मान हम यहाँ से क्या लिख सकते थे? 18 लिख सकते थे, यानी कि इसका तो मान आ गया कितना? 18। अब a प्लस बी का मान हमको निकालना है, आप फार्मूले से चाहो तो फार्मूले से निकल आएगा, अगर फार्मूले से नहीं तो आप अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो तो 24 छक्का 144, और यहाँ पर 24 माइनस का 6 कर देंगे तो 18 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर 24 और 6 कितना हो जाएगा? 24 प्लस का 6 यानी कि 30 हो जाएगा, गुणे में 18, तो 18 3 54 540 हो गया बस। अब आपने एक चीज फार्मूला भी पढ़ा होगा, अगर a माइनस बी बराबर a है और a प्लस बी पर जाना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का 4 हो जाता है, तो a स्क्वायर का मान कितना? 18 18 324 और प्लस में 4। अब इतना करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल और चिपकाया जाता है, तो ए बी का मान कितना दे दिया था? 144 दे दिया था। अब यहां से इसको सॉल्व करते फिर मान रख लेते तब भी आंसर आ जाता, तो आप समझ सकते हैं ना कि कैलकुलेटिव सवाल था इसलिए, लेकिन आप अगर हेट एंड ट्रायल से जाते तो आसानी से बना लेते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, और करना चाहो तो कर लेना इसको, 324 हो गया और 4 चौकू 16 16 और 14 चौकू 56 56 एक 57, और जोड़ेंगे तो 5 3 8 और लगभग ये हो गया 900। ठीक, क्योंकि 76 2400 होता तो 900, ये 30 आ जाएगा, तो इसको भी फिर वहां पर पुट कर देते, तो जैसे भी करना चाहो आंसर तो आ ही जाता आपका। डी और ई e, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के समानांतर है, और ए डी रेशियो डी बी के साथ इतना दिया गया था, सी डी और बी एक दूसरे को एफ पर प्रच्छेद करते हैं, तो इतने क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कहता ए बी और ए सी पर बिंदु इस प्रकार है, ए बी पर ये हो गया, ये ई हो गया, बहुत बढ़िया बात है, डी बी सी के समानांतर है, ये बात बोल देता बहुत अच्छा लगता है। फिर ए डी हो गया, ए डी 7 हो गया और डी बी 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर होगा 9। फिर कह रहा था सी डी बी ई एक दूसरे को, सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, और कह रहा था डी ई एफ यानी कि इसका और सी बी एफ यानी कि इनका अनुपात क्या होगा, वो भी क्षेत्रफलों का। तो सिंपल सी एक बात देखो भैया, जब उसने बोल दिया कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है यानी कि समानांतर बोल दी उन बजाय, तो ये 7 है तो पूरी कितनी हो जाएगी? 9 7 16 हो जाएगी, यानी कि जो रेशियो इसमें होगा वही तो रेशियो इनमें होगा बस, यानी कि छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा में रेशियो सेम होगा, तो 70 70 49 और 16 16 256 आंसर आ गया। कौन सा कथन असत्य है? सीधा फार्मूला लिखना था, साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। इसको सॉल्व करोगे, अपोजिट करोगे, एक दूसरे का अपोजिट आंसर आ ही जाना था। अब cos को इधर लेके आ जाओगे तो tan बना देगा, tan बराबर tan आ रहा, बात खत्म। तो sec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आ जाता, ये भी सही था, तो एक ही आंसर था ऐसा। और कह रहा था त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 है और ये 5 दिया था, क्यू वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू कोण एक्स को समद्विभाजित करता है,
इसका रेशियो बताना था। तो देखो एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स वाई बराबर दे दिया था 4, एक्स जेड बराबर दे दिया था 5, क्यू वाई जेड पर एक बिंदु था जो एक्स क्यूब को समद्विभाजित करता था। और अब यहाँ पर क्या लगेगी, समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी, यानी कि जो इनमें और इनमें रेशियो होगा वही रेशियो इनका और इनका होता है। यानी कि कहने का मतलब है एक्स वाई अपॉन एक्स जेड बराबर में क्या हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन में जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, एंगल वाई सेक्टर की। एंगल वाई सेक्टर करने पर ये रेशियो बनता है। तो अब हमें चाहिए क्या था, हमें तो इनका मान पता था 4 5, इन्हीं का निकालना था, तो बिल्कुल सेम हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि इसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, अंकित मूल्य की बात करा, यानी कि ये 4200 वैल्यू पता है किसकी है, 114 की है, हमसे 95 की मान पूछा, बस इतना करना था, आपका काम खत्म। 19 छक्का 114, 19 बना 95, 6 7 42 हो गया, 7 5 35 100 आंसर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए था मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है, तो वो 95 हो जाएगा बराबर में कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस पे अगर छूट हटा दी तो सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर। अब यहाँ से जब रेशियो बनाओगे तो डायरेक्ट बन के आएगा, तो हमें पता है कि जब रेशियो हम डायरेक्ट हम लिखते हैं तो यहाँ पर 114 आ जाता है, यहाँ पर छूट वाला आ जाता है, तो हम डायरेक्ट 114 बराबर 4200 कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट सोचना। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, 9500 की राशि पर साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना होगा। अब साधारण ब्याज की बात कर रहा था, हमें ब्याज में पता होना चाहिए था, तो यहाँ पर 9500 यानी कि 08 2 11 से 9 गया, 2 2280 का हमें ब्याज चाहिए, किस पर चाहिए, 9500 पर गुणे में 8, गुणे में क्या निकालना था, टाइम, और बटे में 100। अब इतना लिखना नहीं है आप लोगों को भाई, देखो 95 का सीधा सीधा हमें भाग कर देना था, उसके बाद 8 का कर लेना था, जो भी आंसर आता था बात खत्म हो जाती, अगर नहीं ऐसा करते तो फिर टाइम लगता। तो यहाँ पर 8 2 16 हो जाएगा, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 2 16 हो गया, बचा कितना है, 6 बचा, 2 2 64, 8 5 40, फिर 19 5 95 हो गया, 19 1 19 हो जाएगा, 9 बचा 19 5 95, तो 5 3 15 आ गया, आंसर आ गया हमारा 3। अगला सवाल, ए कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, सी और ए 6 दिन में करते हैं, ए अकेला। ठीक है, सिंपल है भाई, देखो ए प्लस बी कर रहा था 10 दिन में, बी प्लस सी कर रहा था 12 दिन में, सी प्लस ए कर रहा था 6 दिन, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 60, तो 10 6 60, 12 5 60, 6 और ये 10 हो गया। अब ए का मान निकालना था, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी करते इफिशियंसी में तो ये कितना आ जाता, 6 5 11 11 होता, 21 आ जाता। अब यहाँ पर 21 तो आ गया, तो इसमें सब में 2 का गुणा करने तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, रीजन क्या है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, तो ये 2 से तो 2 कट गया। अब हमें ए का चाहिए तो बी सी घटानी पड़ेगी, यानी कि इनमें सब में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, यानी कि ये 42 तभी तो होगा, नहीं तो कैसे 42 कर लोगे। तो इनका 5 2 10 था, यानी कि ए बराबर करेंगे तो 21 माइनस का 10 तो कितना आ जाएगा 11। अब हमें टोटल काम पता है 120, 11 से भाग कर दो। अगला सवाल, अब इस सवाल को देख लो, कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन क्या ही कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए कि कैसे बन के आएगा। आपको देखो अब एक बार जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर एक्स की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स पावर 4, और ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अब फिर इसको भी खोल लेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस पे भी सवाल एसएससी पूछे भी रहा है बहुत, अभी हम बताएंगे किस कंडीशन से आते हैं, वो के माइनस के 1 अपॉन k कर पूछता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपके पास कितने कंपोनेंट मिले, आप ये चीज समझो यहाँ से कि आपके पास कितने कंपोनेंट आए, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, इनको सबको अगर साथ में रखोगे तो इसी तरीके का फार्मूला, या फिर आप मान सकते हैं डायरेक्ट इस समय लर्न करने वाली चीज आ गई है कि k माइनस 1 अपॉन k, k प्लस 1 अपॉन k इस तरीके से दिया जाता है। तो इसको जब लिखते हैं x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, तो इसको क्या करते हैं, जैसे ही अगर इस कंडीशन में मिल गया सारे प्लस हैं एक माइनस है, तो डायरेक्ट
चार में दो का गुणा करो तो ये मान आ जाता निकल, ठीक है। अब हमें वहां तो इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ तो हमें सीधे मान निकालने हैं, तो जिसके जिसके मान मिलते जाएंगे उसके उसके रखते जाएंगे, तो इसका तो मान हमें पता है 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25, 25 से 2 गया तो कितना बचा, 23 बचा, तो 23 का स्क्वायर माइनस का 2 ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 25 और 25 से हम कर देंगे 4 माइनस, तो अंडर रूट में 21 आ गया। अब इस तरीके से करना था, ठीक है। अब ये यहाँ से समझ लो बात को, अगर स्क्वायर करते इसको एक बार में तो ये एक्स स्क्वायर इधर करना, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में 25 माइनस का 2 करेंगे 23 आ जाता। एक बार फिर से स्क्वायर करते तो 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो ये 23 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता। अब यहाँ पर इससे अगर हम डायरेक्ट आते तो ये एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर में अंडर रूट ये हो जाता 5 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाता। ये डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड सवाल था और अच्छा सवाल, इसे कह सकते हैं नए पैटर्न पे। पहले एसएससी ऐसा नहीं पूछता था लेकिन नए पैटर्न पे आना शुरू हुआ, एक आध बार पूछा गया, ठीक है। तो आगे तैयार रहिएगा 8 पावर के लिए, तो वो आसान होगा। आसान क्यों होगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्क्वायर करते चले जाना और माइनस दो करते चले जाना, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की मान दिया हो तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो 5 हो गया, तो देखो जो जो गुणा करना है वो कर लो, रूट 21 हो गया, गुणे में 5 हो गया, 25 से 2 गया 23 हो गया, और 23 और 23 तीसियम 529 से 2 कम करेंगे तो 527 आ जाएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से तो काम चलना नहीं है, तो 23 सत्ते 161 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया, और 23 दूनी 46, 46 में 6 जोड़ा 52, 52 10 62 हो गया, फिर से यहाँ से वही हो गया 6 होगा, मतलब वही का, तो 23 पंजे 115 और 6 कर देंगे तो 121 आ जाएगा। इसमें दो इसमें 5 का गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 एक 6 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, और इंटू में रूट 21 हो गया, तो आंसर आ गया। कैलकुलेटर तो आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, वह केवल 2 दिन और आखिरी 2 दिन के कार्य करता है, तो शेष बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा था, परसेंटेज को दर्शाया जाता है, और हमसे पूछा क्या गया था, परीक्षा में हितांश को कुल परसेंटेज कितना था, तो हितांश तो ये रहा। अब यहाँ पर कुल परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी कि ये सब तो ऑलरेडी परसेंटेज दिए थे, यानी कि हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये तो सारे तो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि ये सारे 100 पे थे, 100 के 55% हो गए, इनको तो जोड़ लो पहले, और यहाँ पर अगर करेंगे इसका निकालेंगे 150 का 70%, तो 15 सत्ते 105 नंबर इन्होंने लिए यहाँ से, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 और 5 21 हो गया, 21 और 5 26 की 6 हो गया, हासिल लगा 2, तो 6 2 8 हो गया, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26 की 6 फिर से हासिल हो गया 2। अब यहाँ पर करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, ये टोटल अंक कितने हो गए, 100 200 300 400 500 और 550, गुणे में कर दो 100, तो यहाँ पर 10 ये चला गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 हो गया, 5 2 10, यानी कि इधर आ गया 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 हो गया, बटे में 11, तो 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, फिर 11 6 66, 6 बच गया, फिर 11 5 55, तो आंसर आ गया 66.55। अगला सवाल, ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है, यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, ए था और बी 30 और 30 में काम कर रहे थे, यानी कि इसकी इफिशियंसी तो 1-1 आ गई, ये तो सभी समझ गए। अब इनकी एक साइकिल बना लो, यानी कि साइकिल ए कंप्लीट होगी इनकी 6 दिन में, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसके पीछे रीजन क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए ने काम किया, 1 किया, फिर यहाँ पर भी 1 किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर अब 1 छुट्टी ले ली, फिर इसने 1 1 1 किया और यहाँ पर किया, लेकिन अब इस कंडीशन में इसने छुट्टी ले ली, अब 6 दिन में ये काम हो रहा है, टोटल हुआ कितना काम, 2 2 4 सॉरी 2 2 और ये 2 और ये 1, इधर यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 काम हो रहा है कितने दिन में, 6 डेज में हो रहा है। हमें काम कितना करवाना, 30,
तो 30 काम कितने दिन में होगा, 10 30 6 18 डेज में होगा, यानी कि हमारा कितनी तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, 18 अगस्त को पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज्यादा लेकिन 74 केजी से कम है, उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 केजी से ज्यादा है लेकिन 69 केजी से कम है, उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं है हो सकता, उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापने में विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो ये सवाल किसी भी किसी शिफ्ट में रिपीट हुआ है, इसको कहीं ना कहीं मैंने देखा, या तो ये फेस 11 में आया हुआ है या तो कहीं तो आया है। कह रहा था 64 से ज्यादा नहीं लेकिन 74 से कम है, ठीक है, 64 से ज्यादा है और 74 से कम है, बहन राघव की बात से सहमत नहीं थी और वह सोचती कि 60 केजी से ज्यादा है लेकिन 69 से कम, यानी कि 60 से ज्यादा है और 69 से कम है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उनकी माँ का कहना है कि उसका वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं है, तो माँ तो हमेशा सत्य बोलती है, यानी कि 68 केजी हो सकता है उनकी माँ की अनुसार। अब यहाँ पर देखो, सभी अगर सत्य हैं और क्या उसके पिता का मानना है कि 67 से ज्यादा नहीं है, यानी कि पिताजी भी आ गए तो इन्होंने 67 बोल दिया, यानी कि कुल मिलाकर वजन हमें यही तो 4 मिले, क्योंकि सभी को सत्य मानना है तो हमने इनको भी सत्य मान लिया 69 से कम करके, किनको, उसकी बहन को, तो यहाँ पर सारे आ गए। अब बीच में एक नंबर कोई आपको गैप दिख रहा होगा, बस वही गैप यहाँ पर भरना था, ये कितना हो गया 66 हो गया। अब यहाँ पर 64 66 67 और 68, इनका हमें क्या बताना था औसत, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12 की 2, यहाँ से लगा 1 7 7 6 13, बटे में कर दो 2, तो 2 6 12, 2 6 12 आंसर। ये तो सभी को पता होगा कि सीरीज में डिफरेंस बराबर हो तो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म आंसर आ जाता है डिवाइड करके 2 का। अब ये देखो, ये तो आसान था, यहाँ पर पुट कर दो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अब इनमें सबको तो 1 हो गया, तो इनको देखो जोड़ते हैं, बिल्कुल 17 और 13 30, 30 10 40 41 हो गया, नीचे करेंगे तो 9 7 16 26 हो गया, 26 और 5 31 और 41 हो गया, आंसर कितना आ गया ऊपर। अगला सवाल, अब इसमें देखो एक्स प्लस वाई का मान हमसे पूछा गया था, अब हमेशा एक चीज याद रखना, क्या याद रखोगे, कभी भी ये अगर चेंज वाले, कौन से चेंज वाले, बोझ करते हैं ना 90 माइनस थीटा करके, तो वो वाले अगर चेंज करने वाले कभी भी आमने सामने दिए हो तो हमेशा ध्यान रखना उनका सम, यानी कि इन दोनों का सम 90 में होगा। जैसे साइन हो, साइन किस में चेंज होता है, एक दूसरे में, कॉस में होता है, टेन किस में होता है, टेन कॉट में होता है, ठीक है, एक दूसरे में चेंज होते हैं, और इसी तरीके से सेक किस में होता है, कोसेक में होता है, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा 90। तो 5x माइनस का 25 प्लस में 5y और प्लस में 25 बराबर में क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनको ये काट देंगे ना बिल्कुल, तो 5 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस का वाई बच गया, बराबर में 90 हो गया, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस वाई, 18 5 90, तो ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। चलो फिर, ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई डाउट हुआ करे तो आपको नंबर दिए गए आप वहां पर भेज दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप कर कैसे रहे, लेकिन मेरे हिसाब से मानना है कि आप लोग फर्जी के कमेंट की अपेक्षा है, आप अच्छे कमेंट कीजिए, और ये मत बोलिए कि ये कैलकुलेशन ऐसी कर दी, वो कैलकुलेशन ऐसी कीजिए, अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही तो आप अपने पर काम कीजिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रही। अब भैया देखो, कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है, तो जो कंपटीशन में आगे निकले उनको आपको पकड़ना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही चीजें, ठीक है। चलो फिर, आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।